बनाना पड़ता था। 7 वर्षों तक जो है कठिन तपस्या के बाद आपको गुरु के मात्र दर्शन होते थे, पर अनेकों परीक्षाएं देकर जो है गुरु बनाना पड़ता था। पर भैया त्रेता है तो त्रेता में 5 वर्षों का बताया गया है। 5 वर्षों तक तपस्या करो, भगवान की आराधना करो। आराधना तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं, तब उनके दर्शन मिलते हैं, तब गुरु दीक्षा दी जाती है। पर भैया द्वापर आया तो द्वापर में 3 वर्ष का बताया गया है कि भैया द्वापर आया तो 3 वर्षों तक प्रतीक्षा करो। अब भैया अंतिम में छोटे भाई आए, और पता है घर के छोटे जो होते हैं वो बड़े लाडले होते हैं। अगर माँ डांट भी देना, फटकार भी लगा देना, तो लाड प्यार से मैया के कहने पर जो है बालक मान जाता है। और ये 4 भाई जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग है, इनमें सबसे छोटे कौन है? कलयुग जो चल रहा है, कलयुग चल रहे हैं, लेकिन कलयुग बड़े प्रेमी हैं। कलयुग कैसे प्रेमी है कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम के आधार पर दिया गया है कि कलयुग है, लेकिन कलयुग के समय में भी जो गुरु दीक्षा लेता है, जो संत भगवान के दर्शन करना चाहता है, उसे क्षण भर में ही संत भगवान के दर्शन हो जाते हैं, ब्राह्मणों के संतों के दर्शन हो जाते हैं। भैया गुरु दीक्षा लेनी है, बोले भैया आजकल गुरु दीक्षा लेनी है, हर स्थान पर ब्राह्मण है, हर स्थान पर संत साधु जन है, हर स्थान पर महात्मा विराजमान है, जहां चाहे जिनसे मन भरे उनसे गुरु दीक्षा ले लो। यहाँ तो भैया आजकल ऑनलाइन का सिस्टम चल गया है, पता चला, क्योंकि हमारे साथ तो कई बार हो चुका है। गुरुजी विनती है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, लेकिन क्या बताएं गुरुजी, घर के ऐसे कुछ काम आ पड़े कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरु का दिन है, लेकिन आपके दर्शन को नहीं आ पाए। अगर गुरुजी आपके पास थोड़ा सा समय हो तो वीडियो कॉल कर ली जाए, है ना? तो आजकल तो क्षण भर में गुरु के दर्शन हो जाते हैं। तो आप ये विचार कीजिए, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको क्षण भर में भी गुरु के दर्शन हो जाते हैं। तो अपने भाग्य को कोसिए मत। लोग कोसते हैं ना कि हमारा भाग्य कैसा है, अरे उस विधाता ने अगर आपका भाग्य लिखा है तो सोच विचार कर ही लिखा होगा। और ऐसी कथा जो विधाता के ऊपर बताई गई है कि देखिए संतों का संग मिल जाए, ब्राह्मणों का संग मिल जाए, और संतन कई संग लागी रे, किनके संग? मन अच्छा करना है ना, है ना, करना है ना, तो मन को अच्छा किस प्रकार करना है? हरी का भजन करके,